नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो आप सब लोगों को पता ही है कि ये पाठ मैंने एक मंदिर के लिए करना शुरू किया है, तो उसमें मेरा सहयोग दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट करना ना भूलें। तो कल तक आपने जाना था, माता कैकेयी ने दोनों वरदान अपने मांग लिए थे राजा दशरथ से, जिसमें भरत को राजगद्दी के लिए तो राजा तैयार हो गए थे और भरत को राजा बनाने के लिए तैयार थे, युवराज बनाने के लिए तैयार थे, और दूसरे के लिए उन्होंने राम के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगा था, तो वो उसके लिए तैयार नहीं थे, तो वो उसके लिए बहुत परेशान हुए थे और वो पछाड़ खा करके ज़मीन पर गिर गए थे। और फिर उसके बाद मंत्री ने उनको श्री रामचंद्र जी को बुलाया था, और फिर आपने सुना कि उसको तुलसीदास जी ने किस तरह से अपने शब्दों में उनका वर्णन किया है, जो कि मैं आपको दोबारा से एक बार फिर बता देती हूँ। वे शिव दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं, कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं कि मतलब कुछ बोलते ही नहीं, कोई हाथों से कान मूंद कर और जीव को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसा बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। तो आज के टॉपिक पर आते हैं, उसके आगे विप्र वधू कुल मान्य जठेरी, जेब ये परम कैकेयी केरी, लगी देन सिक सीलु सराही, वचन बाण सम लागही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोही प्रिय राम समाना, सदा कहू ये सबु जगु जाना, करहूँ राम पर सहज स्नेहु, के ही अपराध आजू बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं, इस बात को सारा जगत जानता है, पर श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबंग न किए हूँ सबती आरेसु, प्रीति प्रीति प्रतीति जान सबुदेशु, कौसल्या अब कहा बिगारा, तुम्हें जे ही लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतल्या डहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है, अब कौसल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र ढा दिया। सिंह के पिए संगु परिहरी ही, लखनऊ की रही हहीं धाम, राजू की भूज भरतपुर नृपु की, जिये हैं बिनु राम।
क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उर छाड़हु कोहु, सो कलंक कोटि जनी होहु, भरत ही अवसु देहु जुब राजू, कानन कहा राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन रामू राज के भूखे, धर्म धूरीन विषय रस रूखे, गुरुग्रह वसहूँ राम तज गेहूँ, निबसन अस बरु दूसर लेहूँ। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उन्हें विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री रामचंद्र जी वन ना जाएं तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर मांग लो जो श्री रामचंद्र जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हूँ करें हमारे, नहीं लगी ही कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीनी कछु होई, तो कही प्रगट जना बहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैंने दिल्लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, कहा कही हई सुन तुम कहू लोगु, उठहूँ बेगी सोई करहूँ उपाई, जेही विधि सो कु कलंकु नसाई। राम सरी का पुत्र एक वन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जेही वाती शोक कलंकु, जाए उपाय करी कुल पाल ही, हडी भेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसरी चरही, जिमी भान बिन दिन प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमी जामिनी, तिमी अवध तुलसी प्रभु बिनु, समझी धो जिए भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय कुल करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पर कि सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन लगते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखी ने सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित, तेई कछु कान नकीना, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया, जरा भी बात उनकी नहीं सुनी। तो मैं जिस मंदिर के लिए आपको कह रही थी, वो बहुत पुराना मंदिर है, मैं हर एक वीडियो में बता रही हूँ, 70 साल पुराना मंदिर है, उसी के लिए मैं प्रयत्न कर रही हूँ ये कि कुछ हो वहाँ पे, कुछ सहयोग दे पाऊँ मैं वहाँ पर। तो यही है, मैं उसका वीडियो आपको, वैसे तो हर वीडियो में ही डाल रही हूँ मैं उस मंदिर का वीडियो, और इसमें भी डाल देती हूँ, आप लोग देख लीजिए।
आप लोगों ने वो वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। उतरु न देई दुसह रिस रुकी, मृगनी चितव जनु बागिनी भूकी, व्याधि आसदी जानी तीन त्यागी, चली कहत मतिमंत अभागी। कह के कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिनी हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसकी मंदबुद्धि अभागनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह देई बिगोई, किन्ह सी असजस करई न कोई, यही विधि बिलपही पुरनर नारी, देही कुलाली कोटिल गारी। राज्य करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया, इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जर ही विषम जर ले ही उसासा, कवनी राम बिनु जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गन सुखत पानी। लोग विष मजवर मतलब भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन किसको आशा है। महावियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो रही है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मात पही राम गुसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचू जनी राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगना भाव मतलब उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना ले। श्री रामचंद्र जी को त्रास तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान, छूट जानी बन गवनु सुनी उर आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है, बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छुटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित माधु पद नायव माथा, दीनह असीस लाई उर्लीना, भूषण बसन निछावरी कीना। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर कर दिए। बार बार मुख चुमती माता, नयन ने जल पुलकित गाता, गोद राखी उन्हीं हृदय लगाए, स्त्रवत प्रेमरस पैद सुखाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया, सुंदर स्तन प्रेम रस बहाने लगी। प्रेम प्रमोदु न कछु कही जाई, रंग धनद पदवी जनुपाई, सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी।
उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुख मुख देख कर माता मधुर वचन बोली, कहूँ तात जननी बलिहारी, कबही लगन मुद मंगलकारी, सुकृत सीम सुख सीम सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलियारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए उत्साह एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए राम राम। आप मेरा पाठ अवश्य देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और उसके साथ बेल आइकन है उसे हिट करना ना भूलें, और लाइक करें और शेयर अवश्य करें, और परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य शेयर करने के लिए कहें। तो तब तक कल मिलते हैं। राम राम।